नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। आप देख रहे हैं मिनी न्यूज 27, मैं अश्मित। आज के टॉप हेडलाइंस हैं, भारी बारिश और बाढ़ से जापान के पर्यटक स्थलों पर फंसे सैकड़ों लोग, करीब 60 लोगों की गई जान। कोरोना को लेकर पाकिस्तान में एक व्यक्ति ने कोर्ट में अमेरिका के खिलाफ दायर की याचिका, मांगा $20 अरब का हर्जाना। कनाडा ने खुद को बताया चाइना के दबाव से बाहर, हांगकांग पर सुरक्षा कानून थोपने के खिलाफ ड्रैगन को दिया झटका। ब्रिटेन में नीरव मोदी की 6 अगस्त तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। नेपाल ने लगाई भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर रोक, सत्तारूढ़ पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप। देश भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,67,296 और अब तक 21,129 लोगों की कोरोना से हुई मौत। केरल में सोना तस्करी मामले की जांच करेगी NIA, गृह मंत्रालय ने दिया अनुमति। फिर सरकार ने कुलदीप बिश्नोई के खातों का ब्यौरा देने से पहले नोटिस किया जारी। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से किया गया गिरफ्तार। विदेश मंत्रालय ने कहा कुलभूषण जाधव मामले में सभी कानूनी विकल्पों का कर रहे आकलन। विकास दुबे को फैसला ऑन द स्पॉट होने का डर था, पाकिस्तान ही नहीं उसके क्रिकेट बोर्ड के हाल भी खस्ता है। महागठबंधन में कलह घर आया, कांग्रेस से मांझी ने कहा समन्वय समिति से पहले नहीं होगी कोई बात। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आज से लॉकडाउन। बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग। कोरोना संक्रमण के कारण बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि बढ़ाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में PIL दायर। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप ने कसा शिवराज सिंह पर तंज, कहा क्या खूब विकास किए हो सर। मुजफ्फरपुर में शराब पीकर गाली गलौज का विरोध करने पर महिला के पीट पीट कर हत्या। सासाराम 10वीं के छात्र के अगवा कर हत्या, शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका। लॉकडाउन के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, गया से अपराधियों ने ATM कार्ड से रोए 13 लाख रुपए। अब कटिहार की कुछ खास खबरें। जॉब कार्ड नहीं मिलने पर किया प्रदर्शन, 2 ट्रकों के आमने सामने की भिंडत। 16 सूत्री मांगों को लेकर सेविका ने दिया धरना। वेतन भुगतान की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, जिले में आज से 20 तक होगी मूसलाधार बारिश। सर्दी खांसी मरीजों की संख्या में हो रहा इजाफा। खबरों में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, ताकि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।